उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है. यस मैडम. मैडम एक्सक्यूज मी वंस मोर प्लीज. हाँ हम फिर से दोहराते हैं, हमें उस रात जो हुआ था उस पार्टी में जब सुमुखी के साथ दुर्व्यवहार हुआ था वो घटना दोबारा दोहराना है. कब लाइट गई थी, कब कौन उसके पास आया, किसने उसको छेड़ा, वो सारी चीजें वापस दोहरानी है. अब समझे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सब करके क्या फायदा है? मतलब पिछली बार भी हमने ऐसा ही अज्यूम किया था और मैं ज़ूम आउट हो गया था. हम देखे थे. मनोविज्ञान बोलते हैं ऐसे, जब हमारा कोई चीज खो जाता है ना तो उसको ढूंढने का सबसे सटीक तरीका यही है कि हम वो चीजें दोबारा दोहराएं, सोचें कि हमने कहाँ रखा था, हम कहाँ थे. इससे 90% चीजें हमको वापस मिल जाती है. समझे? यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं, वो पार्टी वाला घटना दोबारा दोहराएंगे ताकि ये जो अनसुलझी कड़ियां है ना ये हम जोड़ सके. हम बस यही प्रयास करें कि कैसे भी करके सच हमारे सामने आ जाए. समझ गए सबके सब? यस मैडम. वेरी गुड. मीरा आप बनेंगी सुमुखी. ओके. आप बनेंगी आकाश शर्मा. पता था हमें, हमें विलन बनाएंगे. आप बनेंगे माता पिता. हाँ हाँ मैं पिता तुम माता. पुष्पा जी आपको यानी कि आकाश शर्मा को सुमुखी का हाथ पकड़ के उसको छेड़ देना है. ठीक है मैडम. मैं क्या बनूं? तुम वेटर बन जाओ. और पुष्पा जी सुनिए, थोड़ा डांस होने देना, उसके बाद जाके बीच में लाइट ऑफ कर कराना. हाँ ठीक है चलो चलो. डांस मारना नहीं. ओके. सिर्फ मुझे छेड़ा मुझे छेड़ा. ठीक है ओके. चलो डांस करो, माहौल बना और पार्टी चल रही है. पुष्पा जी लाइट्स. अरे हाँ. अरे लाइट चली गई. लाइट चला. हे पत्नी कहाँ हो तुम? मुझे छेड़ा मुझे छेड़ा मुझे छेड़ा. लाइट ऑन कीजिए. लाइट ऑन कीजिए. मुझे छेड़ा मुझे छेड़ा मुझे छेड़ा मुझे छेड़ा मुझे छेड़ा मुझे छेड़ा. हम तो उन तक पहुंचे भी नहीं है मैडम. मुझे लगा कि मेरी पत्नी साथ में है, मतलब चीता साथ में है, इसलिए वो समझ के हाथ पकड़. ओहो कितना ज्यादा भोला भंडारी है तुम. एक मिनट. ऐसा भी तो हो सकता है कि उस रात सुमुखी के साथ दुर्व्यवहार किसी और ने किया हो और फंस कोई और गया हो. संतु तुम हमें उस पार्टी का सीसीटीवी फुटेज दोबारा दिखाओ. इतना अंधेरा है क्या, खाक पता चलेगा इसमें से क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था. नहीं मैडम हमारे पास लॉबी वाली फुटेज भी तो है. तो वो कब दिखाओगी? जब आप बोलोगे. ओह ये मासूमियत अचानक से. अभी दिखा संत. हाँ एक मिनट. ये कौन है? ये कौन भागा? ये लड़का कौन भागा? मुझे नहीं पता. चुप रहो. ये इस लड़के के बारे में पता लगाना होगा. ऐसे कैसे भागा ये? इसका मतलब ये है मैडम कि अकस्मा तो सच में बेकसूर है. नहीं चीते, जब तक असली गुनेगार साबित नहीं हो जाता तब तक कानून की नजरों में सब गुनेगार ही रहेंगे. आकाश शर्मा अभी भी शक के दायरे में है. मीरा और संतु जैसे डिसाइड हुआ था कल आप जाएंगे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स बनके और पुष्पा जी कल आप हमारे साथ आएंगे. जी हम भी देखते हैं ये छोटा पॉकेट शाहरुख खान का चीज है. May I come in, sir? अरे इधर भी देख लो. आइए. हेलो सर, न्यू स्टूडेंट. आई एम सुनिधि. एंड आई एम श्रेया. वेरी गुड. आप बैठो बैठो बैठो. मेरा मैडम इनकी एक्टिविटी पे ध्यान देना. ओके. क्या कर रही हो? ढंग से करो, ढंग से नहीं पिटाई कर दूंगा समझे. मिस सुनिधि सर. सुनिधि मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है? वो मैं इसलिए पूछ रहा था, बोर्ड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है. अरे तुमने तो कुछ लिखा भी नहीं. अब कोई बात नहीं मैं बताता हूँ. आप कम ऑन, डरो मत, घबराओ मत. आजा 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 आजा. शाबाश. कम ऑन.
ये लो करो सॉल्व करो. अरे मैं बताऊंगा समझो. हाँ करो करो. संतोष जी को परेशान किया तुम छोड़ेंगे नहीं तुमको. छोड़ेंगे नहीं तुमको. हाँ छोड़ेंगे नहीं. छोड़ेंगे नहीं तुमको. हम छोड़ेंगे नहीं. कितना बुरा सपना आया हमको. हमारी भोली सी प्यारी सी खरहा जैसी संतु जी ना वो राक्षस के गुफा में अकेले गई हुई है. कितना टेंशन हमारे कपार पर. तुम यहाँ पर नाच रहा है तकला दानव कहीं का. कुछ कर भी लौटे. Hey, Chite, my Miraji with your Santosh ji. Don't take tension, relax, chill more. Sir, can I solve this problem? हाँ, क्यों नहीं? करो करो. सुपर. आज का क्लास खत्म होता है. आप लोग जाइए. सुपर बहुत ब्रिलियंट हो. मान गए. मैं क्या बोलता हूं सुनिधि, यू नीड एक्स्ट्रा क्लास. आप ना मेरे केबिन में आके उससे मिलो. ठीक है? यस सर. कम ये तो वही लड़का राहुल है ना जो सीसीटीवी फुटेज में लाइट्स ऑफ होने के बाद भागता हुआ दिखाई दिया था. ये राहुल की जानकारी जो चीते ने भेजी उससे यही प्रतीत हो रहा है कि ये सारे फसाद का जड़ है ना. कैरेक्टर इसका ढीला है थोड़ा. समझती है जहाँ लड़की देखता है वहाँ फिसल जाता है. ये हर लड़की को पटाने का कोशिश कर रहा है. टोपा इंसान. लगाइए. हाँ लगाइए ना. पक्का? पक्का मतलब क्या? लगाना ही पड़ेगा ना. एक मिनट. क्या दिमाग बरा गया है क्या आपका? चीते ने फोन नंबर दिया है वो फोन नंबर लगाइए. हेलो. हेलो आप राहुल बोल रहे हैं? हाँ राहुल बोल रहा हूँ. आप कौन? जी मैं पल्लवी बोल रही हूँ. हमारी कॉमन फ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया था. आप वही ज्वेलरी क्लीनिंग का काम करते हैं ना? जी करता हूँ. जी बस मुझे उसी सिलसिले में आपसे मिलना था. आप कब मिल सकते हैं? हम जब आप कहें. मैं आधे घंटे में शॉप पर पहुँच जाऊँगा. वहीं मिल लीजिए. तो इस वक्त आप कहाँ हैं? शाहजहाँ मार्ग बल्ली रोड पर. क्या शाहजहाँ मार्ग बल्ली रोड पर? क्या इत्तेफाक है ना. मैं भी बस इधर ही हूँ आसपास. मैं आपसे मिलने आ जाऊँ? हाँ तो यही मिल लीजिए. हाँ हाँ बस मैं आपके पास पहुँचती होंगी. वैसे मैंने 31st को भी बहुत ट्राई किया था आपको फोन करने का पर आपका फोन लगा नहीं. हाँ 31 की रात को न्यू ईयर पार्टी थी ना. एक पार्टी में था. वैसे उस रात का नाम मतलब घबराहट होती है. जैसे तैसे बच गया. क्यों कुछ हुआ था ऐसा कुछ? अरे ये सब छोड़िए. आप बताइए आप पार्टी वार्टी करते हैं कि नहीं? हाँ हाँ हम भी पार्टी करते हैं. क्यों नहीं बहुत पार्टी करते हैं. तो चलिए हमारे साथ पार्टी करने. हाँ हाँ बिल्कुल पार्टी करेंगे आपके साथ. कब करनी है पार्टी बताइए. अच्छा आपको खाने में क्या पसंद है? वेज या नॉन वेज? खाने में सब खाते हैं ना. हम लखनवी है सब कुछ खाएंगे. चलिए हमारे साथ खाने पे. सबसे बेस्ट जगह लेके जाएंगे आपको. क्या खिलाओगे? तुम ही हो ना जिसने उस रात बदतमीजी की थी उस लड़की के साथ. तुम ही ने अंधेरे का फायदा उठाया था ना. तुम ही ने बदतमीजी किया था. अरे भाई तो कुछ मुझे जल्दी आई. हाँ हाँ बैठो. हाँ
हेलो, हाँ मीरा मैडम कैसी हैं आप? तुम्हारी संतु जी कैसी हैं? सब कुछ कुशल मंगल तो है ना मैडम? देहरादून वाली मौसी से बात कर रहे हैं क्या? सब कुशल मंगल ऐसे बात करते? इधर लाओ मीरा जी, बिलो द स्पाइक हियर। आप कैसी हैं? संतु जी कैसी हैं? हाँ। मैं ठीक हूँ, और कांस्टेबल संतोष शर्मा टीचर आकाश शर्मा के कैबिन में गए हैं अकेले, उनसे मिलने के लिए। का? अकेले? यस, आकाश शर्मा ने उन्हें अकेले ही बुलाया था। मीरा मैडम, क्या कर दिया, अनर्थ कर दी। नन्ही सी जान, प्यारी सी खड़हा जैसी जान हमारी संतु जी को राक्षस के केबिन में अकेला भेज दिया। मैडम बचाइए उनको, प्लीज बचाइए मैडम, कुछ भी करके हमारी संतु जी को बचाइए। मीरा जी, मीरा जी क्या हुआ आपको? संतु जी है वो, संतु जी का आवाज है वो। ओके तो ठीक है, काटी करे, काटी करे। नहीं नहीं नहीं, मेरे मीरा जी है वहाँ, संतु जी को बचा लेगी। बचाओ मीरा मैडम। यू आर अंडर अरेस्ट, आपको मॉलेस्टेशन के चार्जेस में अरेस्ट किया जाता है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, और ये बात भी सच है कि मैं सुमुखी को बहुत पसंद करता हूँ, और पार्टी वाली रात उसे प्रपोज करने वाला था। लेकिन आप ही बताइए, जिसे मैं प्रपोज करने वाला हूँ उसके साथ मिसबिहेव कर सकता हूँ क्या? पूरा बात बताओ हमको अच्छे से। मैम मैं गया था उसको प्रपोज करने, लेकिन वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। बात क्या कर रही थी? किसी से झगड़ रही थी। कह रही थी अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बहुत पछताओगे तुम। सुमुखी ऐसा बोल रही थी? हाँ मैडम, मैं तो बहुत डर गया था, इसलिए मैंने उसे प्रपोज नहीं किया और उल्टे पैर भाग गया, और फिर लाइट चली गई और ये सब हो गया। चीता? हाँ चीते बोल। आकाश शर्मा पकड़ा गया पुष्पा जी। का? बेटा तुम भगवान का शुक्र मनाओ कि हम लोग यहाँ पर थाना में हैं, हम वर्दी में हैं और हम यहाँ पर ड्यूटी पर हैं। तो माँ कसम तुम्हारा वो हाल करते ना बाबू, एकदम गन्ना की तरह मशीन में डालकर सारा रस निकालकर तुम्हारा झाड़ू नहीं बना देते ना। तो हमारा नाम भी चीता चतुर्वेदी नहीं। नाउ माय टर्न, दुआ करना तुम पर चार शीट बने, लेकिन मेरे साथ मेरे बिल्लू निवास में ना रखा जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बेइज्जत बरी कर दिए जाओगे सीधा ऊपर। पता नहीं ऐसा क्या कर दिया इस संतु जी के साथ, बेचारी बेचारी कुछ बोल ही नहीं रही है, एकदम चुप्पी साधे बैठी हुई है। और संतु जी के साथ ऐसा किया तो हमको इस बात का बहुत ज्यादा टेंशन है कि बेचारी सुमुखी के साथ क्या किया होगा ये राक्षस इंसान। संतु जी, संतु जी कुछ बोलिए ना, आप कहे नहीं बोल रही है। संतु जी बोलिए ना, क्या किया निशाचर आदमी? अब इस घटिया आदमी का फैसला कोर्ट करेगा और इसे हवालात में डालेगी हमारी संतु। संतु के साथ तुमने घटिया और जलील हरकत किया, तुमको शर्म नहीं आया? डालो संतु इसको जेल, डालो। संतु सोच कर रही हो? देखो कानून अपना काम करेगा, मगर इसे इसे जेल में ना तुम डालोगे। उठाओ इसे, डालो जेल में। संतु जी इससे पहले कि हमारा संयम हमारा साथ छोड़ दे, हम भूल जाए कि हम पुलिस वाला है, इस आदमी का कचुम्बर बना दे, आपसे ना हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं संतु जी, इसको ना जेल में डाल दीजिए। पुष्पा जी, क्या हुआ संतु, क्या छुपा रही हो तुम? हमारी तरफ देखो, बताओ हमको क्या हुआ तुम्हारे साथ। क्या किया इसने बताओ हमको संतु। बोलिए संतु जी, बोलिए। बोलो। झूठ बोल रहे हैं मैडम ये, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सुमुखी ने इनके ऊपर गलत इल्जाम लगाया है, झूठा इल्जाम लगाया है। बैठो। मैं जानता हूं तुम स्टूडेंट नहीं हो, पुलिस वाली हो। टीचर हूं, स्टूडेंट को पहचान लेता हूं,
और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम सुमुखी वाले मामले की जांच करने आई हो और इस सो कॉल्ड राक्षस की सच्चाई जानने आई हो। सच्चाई मैं तुम्हें बताता हूँ। उस रात घटना से ठीक पहले मेरा एक अर्जेंट कॉल आया और मैं कॉल अटेंड करने के लिए बाहर गया। जब न्यू ईयर सेलिब्रेशन के वक्त लाइट ऑफ हुई मैं बाहर ही था और जब मैं वापस आया तो सुमुखी के साथ घटना घट चुकी थी। मैंने कुछ नहीं किया। किया क्या? मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। वो मेरी स्टूडेंट, मेरी बेटी जैसी है। मैं उसके साथ ऐसी नीच और घटिया हरकत कैसे कर सकता? मैं निर्दोष हूं और यही सच है। और हाँ, उस दिन एक और वाकया हुआ। जब मैं अपनी कॉल अटेंड कर आ रहा था तो अचानक मेरे पास कोई भागा। मुझे धक्का भी लगा लेकिन उस रात माहौल ही कुछ ऐसा था कि उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। अब मैं जो कह रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना और बाहर जाकर सबको यही कहना कि मैंने आपके साथ मिसबिहेव किया है, आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। मैं बहुत ही घटिया जलील किस्म का इंसान हूं, बिल्कुल वैसे जैसे सुमुखी मुझे बता रही थी। लेकिन क्यों? प्लीज पहले आप मेरी बात सुनिए। उस रात सुमुखी ने मुझे धमकी दी थी कि मुझे नहीं छोड़ेगी और उसने उस धमकी पर खरा उतर कर दिखाया, मुझ पर इल्जाम लगाया। सुमुखी भी बच्ची नादान है, उसके आगे सारी जिंदगी पड़ी हुई है। अगर लोगों को पता चला कि उसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है तो उसकी ये बदनामी जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए आपसे नाटक करने के लिए कह रहा हूं बेटा। मैं एक टीचर हूं, टीचर का फर्ज होता है अपने बच्चों का भविष्य बनाना, ना कि बिगाड़ना। मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तुमने क्या किया बेटी? मैंने कहा था ये बात सामने नहीं आनी चाहिए, फिर क्यों? क्योंकि सर हमारी सोसाइटी को सुमुखी जैसी लड़की की कितनी जरूरत है ये तो मुझे नहीं पता। हाँ लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि आप जैसे आइडियल टीचर की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो अपने स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए अपना पूरा करियर सैक्रिफाइस करने को तैयार है। गजब हो गया आज तो, मतलब कितना बड़ा अनर्थ होने जा रहा था हमसे आज। कितना बड़ा पाप हो जाता अगर आप जैसे एक नेक इंसान के साथ अगर गलत हो जाता तो। संतु बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस गलती से बचाने के लिए। माफ कीजिए, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हम भी इंसान हैं, बवंडर हो गया, हमसे शर्मिंदा है बहुत ज्यादा। अरे नहीं नहीं मैडम, आपने तो बस अपना काम किया है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। पर मैं ये कह रहा था जब सच्चाई आप जान ही गई हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, उस बच्ची को कुछ मत कहिएगा, उसे माफ कर दीजिएगा, अभी नादान है वो। जी हम समझते हैं, आप निश्चिंत रहिए, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। संतु जीते, मास्टर जी को उनके घर पर छोड़कर आइए पूरे सम्मान के साथ। जी मैडम। आइए सर, आइए। आई एम ऑल्सो सॉरी सर। आइए सर, आइए। सर आई एम रियली वेरी सॉरी, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लड़की हूँ ना तो लड़की पर बात आई तो थोड़ी सी बायस हो गई मैं। मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि सुमुखी जैसी लड़कियाँ भी है जो लड़की होने का फायदा उठाती है। प्लीज ऐसी बात मत कीजिए, अब जो होना था सो हो गया, अब हमें ये देखना है कि सुमुखी को कैसे सही राह दिखाई जाए। आप लोगों ने घर छोड़ा इसके लिए धन्यवाद, चलता हूँ। कहे थे ना हम संतु जी, कहे थे ना बिलोटे, 10 बार कहे थे ना हम किसी भी इंसान के चरित्र का ऐसे अनुमान उसके पहनावे उसके रखरखाव से नहीं लगाना चाहिए। कोई भी इंसान अच्छा है कि बुरा है ये उसको देखने से हम लोग कैसे जज कर सकते हैं? है ये तो उसका अपना इंसानियत होता है ना, ये तो उसका अपना अच्छाई बुराई होता है। ये बात हम सबको बोले थे लेकिन संतु जी भी नहीं मानी हमारा बात। हाँ हो गई मुझसे गलती, माफ कर दो। ठीक है किए, स्माइल करके बोलिए। ठीक है संत जी कर दिए। प्यार से हो गया। मुझे भी आजकल ना थाने से ज्यादा दूर रहा नहीं जाता, थाने की याद सताती रहती है, मुझे आती रहती है।
चलो चलो, उस सुमुखी को भी सबक सिखाना है। उसके लिए करिश्मा मैडम है ना, ऐसा सबक सिखाएगी उस सुमुखी की बच्ची को कि याद रखेगी जिंदगी भर। चलिए चलिए सब, चल भी लौटे, चल चल। ये लीजिए, एक और चाय पीजिए, शायद इससे आपके दिमाग की खिड़की खुले। हाँ, मगर जो कुछ भी करेंगी ना, बिना अपना रेजोल्यूशन तोड़े। एक तो पहले आप ये शब्द बोलना सीखिए, नहीं बोला जाता तो मत बोला कीजिए ना। एक ही शब्द के ना 4000 शब्द बोल चुकी हैं आप दो ही दिन में, समझ गए आप हमारी बात को? और इतना ही हमारे सोचने में शक्ति होती तो क्या हम मैडम सर ना बन जाते? हमारे दिमाग में सिर्फ तोड़ने फोड़ने के आइडिया आ रहे हैं, और हमें किसी को नहीं तोड़ना, अभी किसी को भी नहीं तोड़ना। हमें ऐसे टाइम के लिए मैडम सर ने कोई रिकॉर्डिंग नहीं छोड़ा तुम्हारे साथ? हाँ है, छोड़ कर गई हैं। हमें ऐसे टाइम के लिए मैडम सर ने कोई रिकॉर्डिंग नहीं छोड़ा तुम्हारे साथ? हाँ है, छोड़ कर गई हैं। भाई मैया की तो कब फटोगी? मैं कोई पटाखा नहीं हूँ जो फटूंगी। बको बको, क्या रिकॉर्डिंग है बको? जब भी कोई फैसला लेना हो तो गुस्से में नहीं लेना चाहिए, गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। बिल्कुल सही, बस इतना ही है? नहीं मतलब और होगा ना आगे? हाँ हाँ, तो बोलो। जब भी कोई कदम उठाना हो तो सोच समझ के उठाना चाहिए, जज्बातों के साथ। आगे 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 आगे। और तजुर्बा कहता है हमारा कि जिस तरह एक बार धोखा देने वाला दोबारा धोखा जरूर देता है, उसी तरह एक बार चोरी करने वाला भी दोबारा चोरी जरूर करता है। सब अपनी फितरत से मजबूर होते हैं, इसलिए अगर सच को बाहर लाना है तो झूठ को दोबारा मौका देना होगा।